स्टूडेंट्स टूडेज वीडियोज़ अबाउट वेंडीग्राफ जनरेटर और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेंडीग्राफ जनरेटर वेंडीग्राफ जनरेटर जो कि रॉबर्ट जेम्स वेंडीग्राफ ने बनाया था 1931 में वेंडीग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है या एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है नियरली टेन रेस टू पावर सेवन वोल्ट की पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूज़ चार्ज पार्टिकल्स को जनरली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एसेलेट कराने के लिए यूज़ होता है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं ये जो वेंडीग्राफ जनरेटर है ये दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है पहला जो प्रिंसिपल है इसका वह है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट या हम इस एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट को बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज तो फर्स्टली हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट होता क्या है तो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब हमने यहाँ चार्ज रखा क्यू और ये स्फियर वो जब वो चार्ज इस होलो स्फियर के अंदर नहीं जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रिसाइड कर जाता है चार्ज उसकी सरफेस पे तो सरफेस पे चार्ज चला गया और सेंटर से स्फीयर के सरकम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर रेडियस ऑफ दी स्फीयर तो जो तो, जो चार्ज डेंसिटी होगी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी टोटल चार्ज अपॉन में एरिया ऑफ द स्फीयर और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं आ, सिग्मा से तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आ, ये जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो इंक्रीज होगी लेकिन एक पॉइंट अगर मान लेते हैं हम रेडियस हमारा ज़ीरो हो जाए मतलब चार्ज यहीं हो और मतलब इस चार्ज यहीं है तो इसके सरकम तक का मतलब पॉइंट सेंटर पॉइंट तो कहीं है ही नहीं सेंटर पे ही चार्ज है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा रेडियस ज़ीरो हो जाएगा और सम थिंग अपॉन जीरो इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या हो गई इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा और चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इसके कॉन्टैक्ट में जो भी एयर आएगी वो सिमिलरली चार्ज के साथ वो इसी चार्ज से आयोनाइज हो जाएगी मतलब वो एयर क्या हो जाएगी आयोनाइज और उस आयोनाइज एयर के ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव चार्ज और उस वो आयोनाइज एयर भी पॉजिटिवली चार्ज दोनों के बीच में एक फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपेल करेंगी तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप होगी और जो जिसकी वजह से वो चार्ज वहाँ से चला जाएगा या जहाँ पे भी जाएगा वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट इसका यूज़ वेंडीग्राफ जनरेटर में होगा वो हम आगे पढ़ेंगे एंड द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ दिस वेंडीग्राफ जनरेटर इज़ वेनएवर चार्ज इज गिवन टू होलो कंडक्टर जब भी हम होलो कंडक्टर को चार्ज देंगे इट गेट्स यूनिफार्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो वो उसकी जो आउटर सरफेस है उसकी आउटर सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द डाइग्राम ऑफ वेंडीग्राफ जनरेटर फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन सो दिस इज़ अ होलोस्फेरिकल कंडक्टर ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है होलोस्फेरिकल कंडक्टर जिसका जो रेडियस है सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस वो फ्यू मीटर्स का है यहाँ पे पी वन एंड पी टू स्मॉल पी वन एंड स्मॉल पी टू दो इंसुलेटिंग पिलर्स हैं और इन इंसुलेटिंग पिलर्स की भी हाइट कुछ मीटर्स है और इसके ऊपर हमने स्फेरिकल कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है स्मो कैपिटल पी वन एंड कैपिटल पी टू ये दो पुली हैं ये दो पुली हैं जो कि रन करेंगी विद दी हेल्प ऑफ मोटर मोटर की हेल्प ये री मोटर कैपिटल एम से डिनोट किया है मोटर को एम से एम की हेल्प से ये पुली रन करेगी बी इज अ इंसुलेटिंग बेल्ट ये जो पुली के ऊपर ये लाइन देख रहे हो ये है इंसुलेटिंग बेल्ट ये बेल्ट इस पुली के ऊपर ऐसे मूव करेगी वेयर सी वन एंड सी टू आर टू कॉम्स ये दो कॉम्स हैं सी वन यहाँ से हमारा चार्ज स्प्रे होगा तो इसको बोलते हैं हम स्प्रे कॉम और सी टू एक ऐसी कॉम है जो इस चार्ज को कलेक्ट करेगी तो इसको बोलेंगे हम कलेक्टिंग कॉम जो कि चार्ज को कलेक्ट करेगी डी दिस इज़ अ ट्यूब जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब इस चा, इस ट्यूब का काम क्या है कि जो भी आयंस आयोनाइज होंगे वो यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से फिर वो एक्सलरेट करेंगे और टारगेट को मीट करेंगे मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ होगा ना तो टारगेट को यहाँ से वो जहाँ पे भी इसका यूज होगा यहाँ से वो मीट करेंगे दिस इज़ अ हाई टेंशन बैटरी एच टी डी नोट्स हाई टेंशन एंड एच वी आर डिनोट्स एच वी आर डिनोट्स हाई वोल्टेज रैक्टिफायर और ये हमें टू थाउजेंट वोल्ट के अप्रॉक्स हमें पोटेंशियल देगी एंड ये कंप्लीट अप्रेटर्स एक स्टील चैम्बर के अंदर एनक्लोज है और इसको हमने स्टील चैम्बर में इसी लिए एनक्लोज किया है ताकि ताकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा और पोटेंशियल बढ़ने के बाद कहीं चार्ज की लीकेज ना हो उस लीकेज को अवॉइड करने के लिए एक इस पूरे अपरेटस को एक स्टील के चैम्बर के अंदर हमने रखा है एनक्लोज किया है और साथ में इसमें हाई प्रेशर एन और सी गैस एन नाइट्रोजन और मीथेन गैस को भी इसमें फिल्ड कर रखा है क्योंकि ये गैसेज हाई प्रेशर गैस होती हैं जो कि चार्ज को लीक होने से बचाती है या उसको लीक नहीं होने देती तो दिस इज द ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग कि ये अपरेटस वर्क कैसे करता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्विच ऑन द हाई टेंशन बैटरी हाई टेंशन बैटरी को हम स्विच ऑन करेंगे जिसकी वजह से जिसकी वजह से एक हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगी इस कॉम्ब के ऊपर मतलब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हमने एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट पढ़ा था इसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी वो आयोनाइज हो जाएगी मतलब सेम चार्ज से आयोनाइज हो जाएगी और सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा फिर वहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो रिपेल करेंगी और वहाँ से विंड सेटअप हो जाएगी तो ये चार्ज जिसपे भी जाएगा वो भी पॉजिटिव वो ये चार्ज जहां भी जाएगा पॉजिटिव चार्ज वहां से सेटअप हो जाएगा तो ड्यू टू एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट तो एयर विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज शार्प पॉइंट गेट सिमिलरली चार्ज एंड गेट रिप बेल्ड एंड गेट रिपेल्ड जिसकी वजह से जो बैटरी जिसकी वजह से ये जो बेल्ट बी है वो इस पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर लेगी और ये पॉजिटिव चार्ज पुली की हेल्प से पी वन से कहाँ तक चला जाएगा P2 तक ड्यू टू विस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इंडक्शन पढ़ा था इंडक्शन का मतलब क्या होता है विदाउट कॉन्टैक्ट चार्ज का इंड्यूज होना प्रोड्यूज होना तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉम्ब C2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इस C2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूज होने की वजह से मेटेलिक सरफेस पे स्फेरिकल मेटेलिक सरफेस के आउटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस होने की वजह से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज P1 से P2 तक आया था अब वो P2 से यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया अब जो P2 बेल्ट है हमारी वो P1 तक खाली जाएगी एम बेल्ट जाएगी और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके जाएगी यहाँ पर आने के बाद फिर अगेन वो सी से आ, 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 स्प्रे कॉम से पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करेगी और यहां पे जाके फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगी फिर यहां से एमपी बेल्ट आ जाएगी तो ये प्रोसेस हो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा एंड वी नो दैट यह चलता रहेगा और दिस इज वर्किंग ऑफ वेंडीग्राफ जनरेटर और हमें पता है कि पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट आर ये हम पहले पढ़ चुके हैं डेरीवेशन तो जैसे जैसे तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा सो so, विद इंक्रीज इन in क्यू पोटेंशियल भी बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज का लीकेज ना हो इसीलिए हमने इस चैम्बर को पहले इस ऐपरेटर्स को पहले ही एक स्टील चैम्बर के अंदर एनक्लोज कर रखा है एंड वी नो दैट पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो यहाँ से वर्क डन क्या होगा पोटेंशियल इन में चार्ज तो ये हमारे पास दिस इज़ द और यही डन स्टोर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी तो जो भी चार्ज जो भी आयन्स यहाँ पे आयोनाइज होंगे और वो एसेलेट करें एसेलेट होंगे एंड देन वो टारगेट को मीट करेंगे तो द काइनेटिक एनर्जी गेंड बाय द पार्टिकल इज़ तो जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे दैट इज़ डब्लू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज विद दिस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स रनस यहाँ से इसी काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल रन करेंगे डिस्चार्ज से और कहाँ पर हिट करेंगे टारगेट को तो एक ऐसा वेंडीग्राफ जनरेटर इंडिया के अंदर आईआईटी कानपुर के अंदर भी सेटअप है पूरे इंडिया में आईआईटी कानपुर में ही एक ऐसा वेंडीग्राफ है जो कि जनरेटर है जो कि सेटअप है इस वेंडीग्राफ जनरेटर की दो लिमिटेशंस भी हैं फर्स्ट लिमिटेशन इज इट कैन नॉट बी यूज टू एसेलेट न्यूट्रल पार्टिकल्स ये वेंडीग्राफ्ट जनरेटर न्यूट्रल पार्टिकल्स को एसेलेट करने के लिए यूज़ नहीं होगा एंड सेकेंड इज़ इट वर्कस एट अ वेरी हाई वोल्टेज ये बहुत ही हाई वोल्टेज पे वर्क करता है तो दीज आर द टू लिमिटेशन और इसी के साथ हमारा ये लास्ट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है